उत्तर प्रदेश के हरदोई में पशुओं का टीकाकरण करने का अभियान शुरू हो चुका है। यह टीकाकरण अभियान 31 अक्टूबर तक पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। अभियान की सफलता के लिए तथा लोगों को टीकाकरण के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। आपको यहां बता दें कि राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव में जाकर पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, जिसके चलते समस्त विकास खंडों में भ्रमण करने वाले जागरूकता वाहनों को जिला अधिकारी अविनाश कुमार तथा मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुओं के टीकाकरण एवं टैगिंग में अनुपस्थित रहने वाले व लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेएन पांडे को निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत एवं मजरों में टीमों के माध्यम से 100% टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पशुओं के टीकाकरण के लिए 68 टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव जाकर पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका बीमारी से बचाव का टीकाकरण करेगी। इस अवसर पर अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम तथा पशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। पशुओं का टीकाकरण का राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम आज से शुरू किया जा रहा है। ये 30 दिन चलेगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक, और इसमें डिस्ट्रिक्ट में हमारे सभी पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। हमने इसमें हर ब्लॉक स्तर पर 68 टीमें लगाई हैं और टोटल 68 टीमें लगी हैं और इसमें लगभग 12.5 लाख पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। उसी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।